तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि दिवाली हर साल आती है एंड दिवाली इंडिया में काफी धूमधाम से सेलिब्रेट भी किया जाता है। एंड यार सिर्फ हम लोग ही नहीं, फ्री फायर में भी दिवाली को काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब हर साल जब भी दिवाली आती है तो फ्री फायर में काफी खतरनाक वाले इवेंट्स आते हैं जिसमें कि हम लोगों को फ्री में काफी सारे आइटम्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस इस साल भी आने वाला है फ्री फायर में एक काफी खतरनाक इवेंट, फ्री फायर दिवाली इवेंट आने वाला है। वो कब से स्टार्ट होगा, उसमें आपको क्या क्या आइटम्स देखने को मिलेगी एंड कब खत्म होगा, गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल्स देने वाला हूँ। एंड हाँ, दिवाली पे काफी सारे जो रेयर बंडल्स है अपने, जैसे कि ब्रेक डांसर हो गए और भी काफी सारे, वो सारे बैक आने वाले। मतलब फ्री में तो नहीं देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली डायमंड्स से ही मिलेंगे, लेकिन हाँ जो भी बैक आएंगे उनके बारे में भी मुझे पता चल चुका है कि कौन कौन से रेयर बंडल्स वापस आने वाले हैं दिवाली में। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो गाइस इस वीडियो पे मैं एक लाइक टारगेट रखता हूँ। अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। तो ज्यादा नहीं यार, मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 के लाइक्स का रखता हूँ। आई होप आप लोग कंप्लीट कर दोगे। जैसे गाइस कंप्लीट होगा मैं गाइस नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि कौन कौन से रेयर बंडल्स वापस से आने वाले हैं अपने दिवाली इवेंट पे। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे लाइक जरूर से कर देना, 100 के लाइक कंप्लीट कर देना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। तो यार आप लोग ये कैलेंडर देखो, सेलिब्रेट दिवाली 2021, ये कैलेंडर गाइस इसमें आपको पूरा ए टू जेड डिटेल्स दिख रहा है। अभी मैं गाइस इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मतलब आप लोगों को समझ तो नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या है। अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा कब से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा और आपको क्या क्या आइटम्स देखने को मिलेगा। तो यार बेसिकली ये इवेंट 25 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगा एंड इसके बीच गाइस अगर आप लोग वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि आपको किस तरीके से क्या चीज क्लेम करनी है, किस दिन क्लेम करनी है एंड कौन सी चीज आपको फ्री में मिलेगा, कौन सी चीज आपको डायमंड से मिलेगी। सारी चीजें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो विदाउट स्किप किए गाइस आप लोग पूरा वीडियो देखना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 25 अक्टूबर को पहला इवेंट स्टार्ट होगा जिसमें कि आपका लोन वुल्फ मोड ओपन हो जाएगा। आपको पता ही है लोन वुल्फ मोड क्या होता है, आप लोग इजीली लोन वुल्फ मोड खेल सकते हो 25 से। उसके बाद गाइस 25 से ही आपको चार्ज द पोर्टल टू कम होम ये एक इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको तीन आइटम्स दिख रहा होगा, एक ये यूएमपी का स्किन जो कि आप लोग देख सकते हो, इसके अलावा एक ये फार्म हाउस का स्किन और लास्ट है ये तीसरा, ये है एक पांडा, देख सकते हो। ये तीन चीजें आपको मिलने वाली है। यहाँ पर साइड में आप लोग पढ़ भी सकते हो, क्लेम अप टू 1 पेट एंड 2 लेजेंडरी गन्स। मतलब हो सकता है कि आपको ये तीनों मिल जाए या फिर ये भी हो सकता है कि तीनों में से आपको कोई एक चूज करने को मिले। अब ये तो गाइस इवेंट आने के बाद ही पता चलेगा, बाकी ये तीनों चीजें आपको मिलेगी। कुछ मिशंस रहेंगे कंप्लीट करना है एंड फिर आप लोग ये तीनों ले सकते हो या फिर तीनों में से कोई भी एक क्लेम कर सकते हो। तो ये भी 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस 29 अक्टूबर को सीधे दूसरा इवेंट आएगा जिसमें कि गाइस आप लोगों को ये बेलन देखने को मिलेगा जिससे आप लोग मार खा सकते हो। नहीं यार ये बेलन पता नहीं यार फ्री फायर वाले क्यों ला रहे हो, ये कोई बेलन नहीं है, ये बैट का स्किन है जो कि दिखने में बेलन टाइप का लगता है बट काफी अच्छा लगता है यार, मतलब काफी ज्यादा कलरफुल देख सकते हो आप लोग। तो ये गाइस आपको 29 को देखने को मिलेगा, पिक योर ऑन दिवाली हैम्पर। इसमें भी आपको कुछ मिशन देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है कि ये आपको लॉगिन रिवार्ड पे मिल जाए। मतलब जैसे ही आप लोग 29 को गेम स्टार्ट करो, लॉगिन करते से ही आपको क्लेम करने को मिल जाए, तो कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद गाइस 29 को एक और इवेंट आएगा जो है गाइस रंग दे रंगोली, देख सकते हो। इस दिन भी गाइस काफी एक मस्त वाला बंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो, इसमें कुर्ता पैजामा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मुझे तो यार सच तो ये बंडल देखने के बाद वो MBBS में जो सर्किट रहता है ना मुन्ना भाई के साथ, उसकी याद आ जा रही है। मतलब दिखने में उसी टाइप का कुछ बंडल लग रहा है बट हाँ सही है, कुछ इंडिया से रिलेट करता है ये बंडल। तो ये आपको 29 को देखने को मिल जाएगा, कुछ वही नॉर्मल से मिशंस रहेंगे, वो शायद कंप्लीट करने होंगे आपको और मिल जाएंगे। इसके बाद गाइज आपको 2 नवंबर को काउंटडाउन टू दिवाली देख सकते हो, ये एक न्यू इवेंट स्टार्ट होगा जिसमें कि गाइज आपको वेपन रॉयल वाउचर, ये कुछ गन स्किन्स एंड साथ में आपको एक सर्फबोर्ड का स्किन देखने को मिलेगा जो कि आपको 2 नवंबर को मिल सकता है, देख सकते हो ये तीन चीज। इसके बाद गाइस जो अपना 4 नवंबर रहेगा जिस दिन दिवाली है, उस दिन गाइस आप लोगों को देख सकते हो क्लेम फ्री मैजिक क्यूब, जिसका कि गाइस हम लोगों को अब मतलब मुझे आप लोगों को सब लोगों को इंतजार रहता है फ्री मैजिक क्यूब का, वो हम लोगों को फाइनली देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे लिखा गया क्लेम फ्री मैजिक क्यूब, इसका मतलब आप लोगों को एक पूरा मैजिक क्यूब शायद देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा जहां तक मुझे लगता है। और ये भी शायद मुझे लगता है कि आपको क्लेम करने का यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, मतलब ये शायद आपको लॉग इन करते से मिल जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है आपको लॉगिन करके या फिर आधा एक घंटा आपको गेम खेलना रहेगा, 30 मिनट या 60 मिनट, इस तरीके से आप लोग गेम खेलो और फिर नॉर्मली आप लोग क्लेम कर सकते हो एक मैजिक क्यूब। बाकी यार जो भी रहे हम लोगों को तो फ्री में आ रहा है तो लूटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ज्यादा खेलना पड़े या कम खेलना पड़े, लूट कर तो रहना है भाई, फ्री में मैजिक क्यूब मिल रहा है यार। एंड उसी दिन आपको एक नमस्ते का इमोट देखने को मिलेगा, देख सकते हो दिवाली पार्टी इमोट। 4 नवंबर को दिवाली पार्टी स्टार्ट होगा और उस दिन आपको नमस्ते का इमोट देखने को मिलेगा एंड ये भी यार इंडियन कल्चर से रिलेट करता है, मतलब
नमस्ते, ये इंडिया से ही रिलेट करता है, तो काफी सही है यार, ये मोट भी नमस्ते करते हुए आप लोगों को दिखेगा। एंड यार एट लास्ट 5 नवंबर को एक न्यू इवेंट आएगा, देख सकते हो आफ्टर पार्टी गिफ्ट करके, एंड इसके अंदर से भी आप लोगों को कुछ भी फ्री फ्री आइटम्स देखने को मिलेगा, देख सकते हो गोल्ड रॉयल वाउचर हो गया, कस्टम रूम कार्ड्स हो गए या फिर कुछ गन के क्रेट्स हो गए, तो ये सारे चीजें हम लोगों को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। 25 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये पूरा इवेंट चलेगा। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी होगी, बाकी गाइस आप लोग बताना आप लोगों को इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। ऑब्वियसली यार मैजिक क्यूब भी लगा होगा, लेकिन कमेंट में जरूर से बताना आपको इमोट या मैजिक क्यूब इन दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। एंड हां गाइस अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि कौन से रेयर बंडल्स वापस आने वाले हैं, तो इस वीडियो पे गाइस 100 के लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो चलो यार मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।